हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन? बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक का एग्जाम में ना कैसे 20 मार्क का भी सम आएगा, 10 मार्क का भी आएगा। 20 मार्क का आएगा तो बड़ा आएगा, बैलेंस शीट के साथ आएगा। तो बायबैक में बेसिकली करना क्या रहता है, राइट? तो बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी ने जो शेयर्स बेचा है वो फिर से खरीद रहा है। कंपनी ने 10 साल शेयर बेचा था 200 रुपये का। अभी इधर कंपनी क्या कर रही है, ऑफर दे रही है। क्या दे रही है कि कंपनी खुद तुम्हारे घर पर आ रही है, बोले जो शेयर मैंने बेचा था वो मेरे को वापस ला। तो अपन बोले अरे कंपनी आ रही है, तो फिर कंपनी आएगी, बड़ा बात आ रहा है तो कुछ तो रहेगा। तो फिर कंपनी 12 रुपये ऑफर कर रही है। कितना ऑफर कर रही है? 12। तो ऑफर प्राइस कभी 12, कभी 40, कभी 5, मतलब शेयर कितने का होता है 10 का, ऑफर कितना की 12, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा, उसको प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रीमियम। बट अपने को क्या फाइंड करने का है, क्या फाइंड करने का है? कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर, मतलब कंपनी मार्केट से कितना शेयर खरीदेगा, नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक। तो इसमें क्या है, ऑफर प्राइस दिया है। क्या है? ऑफर प्राइस इज गिवन। एक सम वैसे भी रहेगा जिसमें ऑफर प्राइस नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? तो सबसे पहले क्या है, एकदम कुछ हार्ड नहीं है, नकली समय फटक से हो जाएगा, एकदम अच्छे से सॉल्व होता है, ठीक है? पहले बायबैक ऑफ शेयर ढूंढेंगे, फिर इधर एंट्री भी पास करना है। क्या पास करना है? एंट्री। तो सबसे पहले क्या लिखने का, कंडीशन में अपने को 25% ऑफ ओन फंड फाइंड करना है। क्या फंड करना है? ओन फंड का 25%। फिर मिनिमम ओन फंड फाइंड करना है, उधर मैं बी लिख दूंगा, ओके। फिर पेड अप इक्विटी के ऊपर खेलना है तो उस पर सी लिख दूंगा, मतलब ए बी सी। अपने को तीन चीज ढूंढना रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओन फंड। तो इसमें आएगा पेड अप कैपिटल और सोर्स। पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये तुम्हारा क्वेश्चन इधर ही है ना। और सोर्स मतलब कंपनी का जमा पूंजी, कंपनी का जमा किया पैसा। तो जमा किया पैसा में क्या आएगा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी क्या पेड अप कैपिटल है, तो पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर आएगा और प्रेफरेंस शेयर आएगा। तो इधर लिख देंगे इक्विटी शेयर, क्या लिख देंगे इधर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। उसके नीचे क्या लिख देने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिख देने का? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तुम लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है? इक्विटी शेयर कितना है, 3,20,000। तो पहले 3,20,000 को अंदर लिखा, और ये कितना है, 80,000। तो इसका टोटल कितना डाल दो, बाहर। तो ये कितना हो गया, 4,00,000 हो गया, सिंपल। तो 4,00,000 क्या हो गया तुम्हारा, पेड अप कैपिटल। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया रहेगा, तो नहीं दिया तो रोने का नहीं, डैश मार दो ना। इक्विटी लेके आएगा पड़ेगा। अभी सोर्स में जमा किया पैसा आएगा, तो एक जनरल रिजर्व आएगा, शॉर्ट में लिखा। क्या लिखा मैंने? जनरल रिजर्व। और एक क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टेबल में जनरल रिजर्व नहीं है, जमा किया पैसा नहीं, तो डैश मार देना। लिखने का नहीं है तो डैश मार दो। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, कितना है, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम जो एक्स्ट्रा कंपनी ने वसूल किया है, तो 2,00,000 हो गया। क्या हो गया? तो 4 और 2 को ऐड करेंगे ना, तुमको क्या मिलेगा, 6,00,000। क्या मिलेगा? उसको बोलेंगे टोटल ओन फंड। क्या बोलेंगे? टोटल ओन फंड, कंपनी का खुद का पैसा। ओन मतलब खुद का पैसा और बोरोड मतलब कर्जा। तो ओन फंड कितना है, 6,00,000। कुछ नहीं किया मैंने, ये सबको ऐड किया, बात ही खत्म है ना। उसका 25% भाड़ डालने का है, तो 6 का 3, 3 का 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख जो है ना अपना, 1.5 लाख, ये अपने को ए मिला। क्या मिला है? ए, 25% ऑफ ओन फंड। तो अपन ने ए पार्ट सॉल्व कर दिया। अभी क्या निकालेंगे, बी पार्ट। क्या निकालेंगे? तो बी पार्ट क्या करेंगे, मिनिमम ओन फंड। क्या लिखेंगे? मिनिमम। ये फॉर्मेट है, तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका फॉर्मेट क्या है, ओन फंड में से माइनस करेंगे कर्जा का आधा। तो ओन फंड बोला तो ये हो गया टोटल। ओन फंड मतलब ये 25% ना है टोटल लेने का। क्या लेने का? तो टोटल कितना है, 6,00,000। टोटल कितना है, 6,00,000। ये क्या लिखा इधर, 50%। इधर लिखो 50% किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब कर्जा होता है। तो कर्जा में क्या आएगा, बैंक लोन आएगा और डिबेंचर्स आएगा। बैंक लोन और किसके अंडर आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। फाइनल अकाउंट करेंगे तो थर्ड नंबर में याद करना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो, एक ही तो दिया कर्जा, डिबेंचर्स दिया। क्या दिया? मान लो इसके नीचे बैंक लोन दिया था 40,000, तो 1,60,000 और 40 को जोड़ते तो 2,00,000 आता था ना। तो बैंक लोन है क्या, कर्जा एक ही मिला। कौन है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, डिबेंचर, कर्जा होता है। कितना है, 1,60,000। तो ये क्या है, ओन फंड। ओन फंड बोला तो कितना था, 6,00,000। 6,00,000 को लिखने का 50%, मतलब एक, ये कितना, 1,60,000 है, उसका आधा करना है, 80,000। अब दोनों को क्या करो, माइनस करो। क्या करो, माइनस। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा, 5,20,000। क्या मिला, ए बी सी डी खेलने का, राइट? तो मिनिमम ओन फंड आ गया। अभी सी क्या करेंगे, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। क्या लिखेंगे, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। सिर्फ इक्विटी पे फोकस करो, किस पे फोकस करो, इक्विटी। इक्विटी कितना है, 3,20,000। तो इधर लिखने का 3,20,000। क्या लिखने का, 3,20,000। कितना परसेंट लेने का इसका, 25%। ये फिक्स है, रूल है, ठीक है? मेरे घर से नहीं है, रूल ही है, तुमको याद करना पड़ेगा। तो 3,20,000 का 25% लेंगे तो 80,000 आएगा। 3,00,000 लिखो, 25 के बाद परसेंट टाइप करो, तो कितना आएगा, 80,000। बाजू में रुपीस लिख देना। क्या लिखना, रुपीस। तो इधर तक रुक जाने का, थोड़ा सांस लो, फिर क्वेश्चन में देखने का। ऑफर प्राइस ये है ना, ठीक है? तो ये 80,000 लिखो रुपीज़ का,
इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करो, किससे? फेस वैल्यू से। मतलब एक शेयर कितने का, 10 का है, 100 का है, 10 का। ये फुल्ली पेड अप है क्या ये? फुल्ली पेड। कभी कभी पार्टली पेड अप आएगा तो दो एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, तो एक शेयर 10 का है तो 25% निकाला, 80,000 है, उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 8,000 शेयर्स आए। क्या आया? 8,000। नंबर ऑफ शेयर 8,000 आया। फिर ये 8,000 शेयर है ना, उसको ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना? ऑफर प्राइस कितना दिया क्वेश्चन में? 12,000। तो 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 क्या तुम्हारा ऑफर प्राइस, 12 क्या तुम्हारा ऑफर प्राइस? 96,000। कितना है? 96। ये तुमको ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस तरह तुमने 25% ओन फंड निकाला, मिनिमम ओन फंड निकाला और 25% पेड ऑफ इक्विटी लिखा। तो ए बी सी, तो अपने को ढूंढना है कितना शेयर कंपनी खरीदेगा। कंपनी का बहुत पैसा, कंपनी बहुत से पूरा शेयर खरीद सकता है, पर पूरा खरीदे तो घर के लिए भी तो पैसा चाहिए, सैलरी है तो क्या पूरा थोड़ी राशन खरीदते, थोड़ा बचा के रखते ना। तो नंबर ऑफ शेयर कैन बी बायबैक, तो इसका क्या क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सर्वत लान, 1, 2, 3, तीनों में छोटा उठाना है। तो छोटा कौन है? 96,000। छोटा कौन है? 96। डिवाइड किससे करेंगे? ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस कितना दिया था? 12। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाय बैक, तो उसको डिवाइड कर देंगे ना आप लोग, तो 8,000 शेयर कंपनी खरीद रहा है मार्केट से। कितना खरीद रहा है? ये तुम्हारा फाइनल इन्फॉर्मेशन है। तो क्या मिला इसमें से पूरा सॉल्व करके? कंपनी मार्केट से कितना शेयर खरीदेगा? 8,000। और कितने का शेयर था? 10 का था, एक्स्ट्रा कितना दिया? 2 रुपया। तो 8,000 याद रखो, 10 रुपये याद रखो, 2 रुपये याद रखो। अब ये तीनों को लेके अपनों को क्या करना है? 4 एंट्री पास करना है। क्या पास करना है? 4 एंट्री। तो इधर कंपनी के तरह से सोच रहे हैं ना, तो कंपनी क्या कर रहा है? शेयर्स को बायबैक कर रहा है, मतलब जो शेयर बेचा था वो खरीद रहा है। तो शेयर खरीदा तो शेयर आ रहा है, तो शेयर को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? शेयर। तो फिर पहली एंट्री ड्यू क्या आएगी? इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर आवत है, आवत है बोलो तो आ गया ना यार। और कौन दे रहा है शेयर? कोई तो दे रहा है ना, इक्विटी शेयर होल्डर। कौन दे रहा है शेयर? इक्विटी शेयर होल्डर, जो दे रहा क्रेडिट आएगा। और 10 का शेयर कितना में लिया? 12। मतलब 10 का उसको 2 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बोलो तो लॉस हो गया, तो उसको प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेंस हो गया ना, प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक। बेंच पे मत लिख लो एंट्री, याद कर लो भाई, 5-6 सम सॉल्व करेंगे एंट्री याद हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस पर कंपनी प्रीमियम देगी। किसको देगी? इक्विटी शेयर। ये तुम्हारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। कौन सी एंट्री होगी? तो फर्स्ट एंट्री पे पूरा खेले। कितना शेयर बायबैक किया? 8,000। इधर लिख दो 8,000। एक शेयर कितने का था भाई? एक्स्ट्रा कितना दिया? 2। टोटल कितना देने का है? 12। इधर आएगा 80,000 है ना, इधर आएगा 16,000, इधर आएगा 96,000। बिंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिंग अमाउंट पेबल टू, टेक्स्ट बुक में रीड कर लो वो आ जाएगा, नरेशन लिखना है। ये फर्स्ट एंट्री होगी। इधर आएगा CRR, क्या क्रिएट करेंगे? CRR। तो इधर लिख दो टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो तुमने SY में सीखा ना। इधर क्या करने का? प्रीमियम पे करने का। क्या पे करने का? प्रीमियम। ये डेबिट है ना भाई, तो प्रीमियम किधर रहेगा? क्रेडिट। डेबिट तो किधर रहेगा? क्रेडिट। टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और फिर हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, मतलब किसको पेमेंट करना है? इक्विटी शेयरहोल्डर को। जब कंपनी पे करेगी तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो किधर आएगा? टू बैंक आएगा, तो बैंक डेबिट, पैसा आया तो डेबिट होता है बैंक, गया तो क्रेडिट। तो किसको कंपनी पैसा दे रही है? इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो सबसे पहले मैं इक्विटी शेयरहोल्डर का अमाउंट की एंट्री पास कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को ये दिख रहा है 80,000, उस CRR क्रिएट होगा, 16,000 का प्रीमियम होगा, 96 का पेमेंट होगा। ड्यू प्रीमियम, इधर लिखा ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू देने का है राइट 80,000, और 16,000 प्रीमियम, टोटल 96। तो 96 किसको देने का? इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो पैसा गया तो इसके लिए बैंक को क्रेडिट किया, किसको मिला? इक्विटी शेयरहोल्डर को, उसको डेबिट किया। तो देना था दे दिया, तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी? एक रिजर्व क्रिएट करेगी। बायबैक के लिए क्या रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये डिविजिबल प्रॉफिट से रिजर्व होता है, जमा किया पैसा। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये दिख रहा अमाउंट कितना है? 80,000। तो 80,000 लिखने का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, कितना लिखने का? 80,000। तो अपने घर पे देखो दो तिजोरी है, एक है जनरल रिजर्व, एक है, देखो ना इधर भी दो जेब है ना, एक जेब में जनरल रिजर्व, एक जेब में प्रॉफिट अलाउंस। तो एक जेब खाली है, दूसरा जेब में 1,20,000 है। कितना है? 1,00,000। जरूरत कितने का है? और घर में कितना? 1,20,000। और जो जिसको देना है उसको कितना देना है? 80 देना है। तो पूरा तिजोरी थोड़ी उठा के देंगे, तिजोरी को खोला, 1,20,000 में से कितना निकालेंगे? 80। तो ये 80 का बंदोबस्त कहाँ से किया? इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फुल फॉर्म लिख देना है ना। तो 1,20,000 में से कितना गया? 80 गया, तो बैलेंस शीट में सिर्फ 40,000 बचेगा। कितना बचेगा? 40,000।
तो ये भी सेटल हो गया ना तुम्हारा, क्या सेटल हो गया ये। अभी प्रीमियम कितना देने का 16,000, तो डेबिट है तो किधर रहेगा क्रेडिट, डेबिट है तो किधर रहेगा क्रेडिट। तो ये प्रीमियम का पैसा कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। देना कितना है 16,000 और है कितना 80,000, बहुत पैसा है। फिर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 80 में तो 16 क्या कर दिया, दे दिया बैंक प्रीमियम पेड, बैंक CRR क्रिएटेड है ना। पेमेंट कितना करने का था 96, वो भी पे कर दिया ना। तो ये तुम्हारा बायबैक का बेसिक्स है। मैं ऐसे भी सब एग्जाम में 20 मार्क के लिए आएगा, जब बैलेंस शीट पूछेगा, क्या पूछेगा balance. तो वो भी अपन आगे का कर लेंगे। एक बेसिक सब की जिसको कुछ नहीं आता इतना भी देख लेगा उसको बायबैक आ जाएगा, मतलब बायबैक का ये मेन था। तो आपको क्या करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है, तो खाली था उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको सम सॉल्व कर लो। ऐसा करके बायबैक का मैंने 15 सम सॉल्व किया, और भी सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।